नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। बिहार में कई बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं जहां राजभवन पहुंचे कई दिग्गज नेता और मंत्री। पहुंच चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल फागू चौहान से होगी मुलाकात। मंत्री मुकेश सैनी के इस्तीफे पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। मंत्री मुकेश सैनी के इस्तीफे पर मोहर लग सकती है। खतरा मंडरा रहा है मुकेश सैनी पर। कई बड़े बदलाव बिहार में होने के संकेत नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां मुकेश सैनी का एनडीए और सरकार में खेल अब पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सैनी के तीन विधायकों ने जहां बीजेपी का दामन थाम लिया, इसके बावजूद मुकेश सैनी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सैनी का खेल खत्म होने वाला है, मंत्री पद से छुट्टी मिलने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की जहां देखिए पटना की ये तस्वीर जहां पर कई दिग्गज नेता जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए आपको बता देते हैं कि बिहार में कई बड़े बदलाव होने के संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों के भी माध्यम से कई बड़े नेता और मंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुकेश सैनी के मंत्री पद पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी मंत्री पद से छुट्टी मिल सकती है। आज बीजेपी इसके संकेत पूरी तरीके से दे रहा है क्योंकि मिलने के लिए राज्यपाल से पहुंचे हैं। और बता दें आपको कि बीजेपी को उम्मीद थी कि मुकेश सैनी खुद इस्तीफा दे देंगे। जब विधायकों ने यानी कि वीआईपी के विधायकों ने जब बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी को यह लगा कि मुकेश सैनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन मुकेश सैनी ने इस्तीफे से इनकार कर दिया था। अब इसके बाद तमाम दिग्गज नेता और मंत्री खुद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री मुकेश सैनी के इस्तीफे पर मोहर लग सकती है। उन्हें अपने इस्तीफे देने होंगे, उनके पद से उन्हें छुट्टी जल्दी मिलने वाली है। तो बड़े संकेत बिहार में, बड़े बदलाव के संकेत। कई बड़े नेता और कई मंत्री जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर राज्यपाल को सिफारिश भेजा है। देखिए बीजेपी से मुकेश सैनी जिस तरीके से लगातार अनबन चल रही है दोनों के बीच, इसके बाद बीजेपी ने सीएम पर दबाव डाला और यही वो दबाव का कारण है जिसकी वजह से लगातार मुकेश सैनी के इस्तीफे की मांग, इस्तीफे की बात जो है वो सामने आ रही है। बिहार में एक बड़े बदलाव होने के पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां कभी भी मुकेश सैनी के इस्तीफे पर मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, कभी भी छुट्टी हो सकती है मुकेश सैनी की। और कहीं ना कहीं ये दबाव बीजेपी की तरफ से, बीजेपी से लगातार अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कई सारे आरोप मुकेश सैनी पर लगाए हैं और यही वो नतीजा है जिसकी वजह से लगातार चले। इस पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर राजभवन से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके क्या मायने निकल रहे हैं, क्या ताजा हालात है, निषेध का रुख करेंगे। निषेध, राजभवन पर आप इस वक्त मौजूद हैं, ताजा हालात क्या है और क्या सचमुच आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के पद पर से उन्हें छुट्टी मिलने वाली है? देखिए अभी भी इस पे सस्पेंस बरकरार है कि क्या मंत्री मुकेश सहनी का पद अब उनके उनके हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो उन पे निशाना साध रही है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर जो उनके विभाग में जो उन्होंने मनमानी की है अगर उसको वो ठीक नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं अब जो ये मुलाकात हो रही है, क्योंकि
जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो इस तरीके की टी पार्टी होती है और अभी भी वही टी पार्टी राजभवन के अंदर चल रही है और कई जो मंत्री हैं, कई विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, वो इसमें टी पार्टी में पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी इस टी पार्टी में पहुँचे हुए हैं और इसी को लेकर के कयास तेज हो गया है कि मंत्री मुकेश सहनी पर चर्चा हो सकती है और कहीं ना कहीं जो मनमानी उन्होंने अपने विभाग में किया है उस बारे में भी चर्चा की जा सकती है।